हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड देखेंगे क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें भी हमारे पास चल रहा था लेसन नंबर 1, आई मीन उसका पार्ट नंबर है 8 होगा, ठीक है। तो इससे पहले लेक्चर हमने देखा था एक्सियल पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड हमारे पास इक्विटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी थोड़ा सा रिविजन करेंगे एंड दोनों को एक ही साथ देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस थे और क्या क्या। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। अगर यूट्यूब पे यानी चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन और नोटिफिकेशन पाए। देखते हैं हमारे पास आज के पिटारे में वापस क्या है। क्लास 12th के हमारे पास क्या है, फिजिक्स लेसन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर हमारे पास कौन सा ही 7 है। 7 पार्ट होने का मतलब कि 6 पार्ट इससे पहले जा चुका है, तो आई होप आपने देखा होगा, प्ले लिस्ट बनी होगी। चलिए इसको हम क्या करते हैं, पार्शियल डिवाइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन क्या था। इधर मानते हैं हमारे पास एक्सियल है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में अक्षीय। इधर हमारे पास क्या है, इक्विटोरियल है, हिंदी में क्या कहते हैं निरक्षीय। अब ये दोनों हमारे पास बहुत ज्यादा ही मस्ट है, यानी बहुत ज्यादा ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों का सूत्र क्या आएगा, दोनों का फिगर कैसे बनाएंगे, उस पर हम आज क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। हालांकि प्रॉपर इस पर जो वीडियो आनी चाहिए थी वो आपको इससे पहले ही लेक्चर में मिल चुकी है, आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखे होंगे तो लिस्ट बनी है वहां से जरूर याद कीजिए। ठीक है, इसमें बताया मान लेते हमारे पास माइनस क्यू का कोई आवेश है और जिसको मान लेते इधर प्लस क्यू का कोई आवेश है, ठीक है मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास इसके बीच की दूरी कितनी होती है 2L होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया। वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति। तो ये समान परिमाण है ना, ये भी प्लस सॉरी ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, लेकिन इनका नेचर क्या है अलग अलग है, प्रकृति कैसी है अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में। तो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश को पास लाने, इन दोनों को हम क्या करेंगे पास लाएंगे, कोई निकाय बनेगा कोई संरचना बनेगी, उसी को हम क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइक मतलब दो, पोल का मतलब ध्रुव। तो हो गया इसमें क्या कह रहा था, इसके जो मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यही होगा, इसके मध्य बिंदु ओ से है, ठीक, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु लिया गया था जिसपे का नाम क्या था पी था, और वैद्युत द्विध्रुव नाम मानते हैं ए एंड बी है। एज ए आप कुछ भी मान सकते हैं, अपना नाम मान सकते हैं, हमारा नाम मान सकते हैं आर के, ठीक है, तो अपना अपना नाम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये टोटल कितनी हमारे पास 2L है, तो इसका आधा आधा कितना हो जाएगा, यल यल हो सकता है ना, तो इसको ये कितना हो जाएगा हमारे पास यल, और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास यल। आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक। मानते हमारे पास कोई प्लस क्यू और माइनस क्यू का आवेश है जिसके बीच की दूरी कितनी हमने मानी है 2L मानी है, ठीक, तो इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हमने पी मान लिया, जिस पर हमें क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो अगर ये टोटल हमारे पास 2L है तो आधा L होगा, इधर का आधा भी L होगा, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है, ध्यान से चलिए। देखो इतना हमारे पास कितना है, देखो दिख रहा होगा R है, और ये इतना कितना है ये वाला चीज, इतना हमारे पास क्या है L है और टोटल कितना है R, अब हमें सिर्फ इतने की दूरी चाहिए, ठीक। टोटल कितना है R, इतना कितना है L, हमें इतने सिर्फ मान चाहिए, तो इतना कितना हो जाएगा हमारे पास R में से L को घटा देंगे तभी तो बचेगा ना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये वाली दूरी, ठीक। अगला देखो ये हमारे पास कितना है L सॉरी R, और ये इतना कितना हमारे पास L, अगर हमें यहाँ से देखना होगा यहाँ से इतनी, तो यहाँ से यहाँ कितना है R, इतना इतना कितना है L, तो टोटल कितना हो जाएगा R प्लस L। आई होप आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है फिगर का ही है, यानी इसमें कौन सा कहाँ से आया है
इसी से हमें मतलब है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो देखिए इसमें हमारे पास जो सूत्र आया था क्या था, E बराबर 2kp/r³, ठीक है। कौन कहाँ से आया, इससे पहले वाले लेक्चर हमने देखा था, आई होप आपने से अटेंड किया होगा यानी देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यही मेन इसमें अगर फिगर हो गया एक बार, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आई होप 100% के आपको आ ही जाएगा, सिर्फ उसमें सोल्यूशन करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, इसमें क्या था हमारे पास, जो इसका सूत्र आया था वो क्या आया था, ई बराबर बस क्या आता है, kp/r³, ठीक है। और इसका भी फिगर देख लेते हैं हमारे पास, ठीक। तो इसमें हमारे पास अंतर क्या है, इसमें 2 आया इसमें नहीं आया, यानी ये दोगुना होता है ये आधा होता है, ठीक। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे पास क्या आता है, वैद्युत द्रागुण होगा, ये प्लस क्यों मानते हैं, इसके बीच की दूरी कुछ मानते हैं और इसको मानते हैं माइनस क्यों, हो गया। इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 2L होगी। यहाँ तो समझ आया, ये हमारे पास क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जैसे इसमें है वही इसमें। और इसमें क्या था, हमारे पास इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी एक्सियल मिल गया था, यानी अक्षीय मिल गया था, लेकिन इसमें क्या आता है, इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर लंबवत लिया जाता है, यानी r मीटर की, मानते हैं ये हमारे पास यहाँ तक r मीटर है, ठीक है, ये r है। इसमें क्या था, अक्षीय मिल गया था, यहाँ पे अक्षीय मिल गया था, लेकिन यहाँ क्या है, लंबवत लिया गया है। लंबवत हमारे पास क्या कोई है, बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तब ये टोटल कितना हमारे पास, 2L, तो इसका आधा आधा पार्शियल करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, ये इतना कितना होगा L, ये कितना होगा, ये भी L हो गया, ये R है। अब यहाँ से मानते हमने कोई इसको मिला लिया, इसका मान दे देते A, इसका मान P और सॉरी B और इसका पी आई है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप। चलो इस पे भी क्या करते हैं, दो बल कार्य करते हैं, एक होता है E1 साइन थीटा जो कि ऊपर काम करता है, इसी पे एक होता है E2 साइन थीटा जो कि नीचे काम करता है, जो कि आपस में दोनों निरस्त हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे। कैसे, ये वापस मार्क करें, 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, अगर दोनों लग से सेम बराबर बल लगेगा तो क्या होगा, वहीं स्थिर होगा, यानी कह सकते हैं कि वो चलेगी नहीं, अगर कोई चीज़ नहीं चले तो उसको हम रेस्ट में मार सकते हैं, यानी वो खत्म हो जाता है। और इसमें क्या आता है, एक बल हमारे पास इधर काम करता है E1 cos थीटा और एक इसी की दिशा में काम करता है E2 cos थीटा। ये क्या है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, हम भी 5 से चल रहे हैं, हमारा दोस्त भी 5 से चल रहा है, क्या जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आ जाता है। अब ध्यान सुनिए, अगर मानते हैं हमारे पास ये L है ये R है, तो कर्ण आप निकाल सकते हैं, अभी इतना पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्या हमारे पास आधार कितना है L और इसकी जो लंबवत है परपेंडिकुलर कितना हमारे पास R, इसका विकर्ण निकाल सकते हैं, ठीक। विकर्ण क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, लेकिन किसमें होना चाहिए, अंडर रूट में, ऐसे इधर भी ये लंबाई कितनी है R, ये कितना है L, तो ये कितना हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। यहाँ तक हो गया हमारे पास, दोनों हो गया ना, इसका आंसर तो पहले ही था हमारे पास। E बराबर क्या आता है, kp/r³, इसमें क्या होता है E बराबर 2kp/r³, दोनों की थ्योरी समझते हैं, हाँ डेरिवेशन दोनों में सेम है, इससे पहले लेक्चर हमने देखा भी था, आयोग आपने अटेंड भी किया होगा। इसमें देखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव EB है जिसके बीच की लंबाई कितनी है 2L, इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक्सियल में कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास r-L, माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास r+L, हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास वही है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जिसके बीच की लंबाई कितनी है 2L, इसके मध्य बिंदु O से लंबवत में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। माइनस Q से बिंदु P के
बीच की दूरी कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस क्यू से बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। बिंदु पी पर दो बल कार्यरत है, ई वन साइन थीटा और ई टू कॉस थीटा, मान सकते हैं साइन में दोनों। इसमें जो सूत्र आएगा ई बराबर क्या आएगा, टू के पी अपॉन आर क्यू, इसमें क्या आएगा ई बराबर के पी अपॉन आर क्यू। ठीक, तो हम इसको देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, दोगुना ना, दो का मल्टीपल इसमें दो है, ये दोगुना है इसमें नहीं, किसका क्या होगा आधा ही होगा, ये दो ये एक है तभी तो क्या हो गया आधा हो गया। तो जो अक्षीय होता है निरक्ष का क्या होता है, दोगुना, या निरक्ष क्या होता है अक्षीय का आधा होता है, समझ गया ना। ये हमारे पास दोगुना है और ये हमारे पास आधा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लीजिए, टेक अ स्क्रीन शॉट। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, उससे पहले आप इससे पहले वाला लेक्चर आप जरूर अटेंड कीजिएगा, इससे पहले का जो दो लेसन होगा एंड दो लेक्चर होगा, क्योंकि उसमें हमने क्या किया उसे एक एक करके डिटेल समझाएगा, उसमें थ्योरी क्या होगी, कैसे लिखेंगे, कैसे डेरिवेशन करें, कहाँ से ये हमारे पास आया है। इसमें सिर्फ आपको याद कराया गया है कि आपको इतना याद करना है कि एक्सेल में फिगर ये बनेगा, सूत्र ये आएगा, और इक्वेटोरियल में फिगर ये बनेगा और चित्र सॉरी फार्मूला ये आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।